नमस्कार, मैं डॉक्टर मानिक जैन। आज हम प्राचीन भारतीय विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। यह एमए फाइनल ग्रुप सी का 7th पेपर है। इसमें हम ये देखेंगे कि प्राचीन विचारक अर्थशास्त्र को पृथक विषय नहीं मानते थे। अर्थशास्त्र का अध्ययन धर्म, नीति, दर्शन, कानून, राजनीति आदि विषयों के साथ साथ किया जाता था। कौटिल्य के अनुसार दर्शन, नीति, अर्थशास्त्र और राजनीति का संयुक्त अध्ययन मनुष्य के लिए आवश्यक है। आर्थिक उद्देश्यों में स्वच्छ और नैतिक जीवन पर भी बल दिया गया है। प्राचीन आर्थिक विचारधारा में कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार का बहुत महत्व है। जनता की आर्थिक संपन्नता का दायित्व राज्य का होता है। राज्य का कर्तव्य केवल कानून व्यवस्था को सुरक्षित रखना ही नहीं था, वरन सभी के लाभ के लिए आर्थिक जीवन को नियमित करना भी था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य विभिन्न प्रकार के कानून बनाता था, जिनका एकमात्र उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन तथा विचारधारा का निर्देशन नैतिक तथा धार्मिक आदेशों के अनुसार होता था। उस समय आर्थिक क्रियाएं काफ़ी सीमित थी और आर्थिक जीवन भी काफ़ी सरल था। उस समय व्यक्तियों का दृष्टिकोण भौतिकवादी था और वर्णाश्रम द्वारा सामाजिक जीवन का संतुलन रखा जाता था। अब हम ये देखेंगे कि मध्यकालीन आर्थिक विचार क्या थे। मध्यकाल अर्थात 10वीं शताब्दी से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना तक के काल को मध्यकाल के नाम से इतिहास में जाना जाता है। इन वर्षों में भारत की आर्थिक विचारधारा का कोई विकास नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में इस काल में जो भी विचार व्यक्त किए गए वे अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे। आर्थिक विषयों पर कुछ इधर उधर बिखरे हुए विचार हमें कवियों कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, जायसी तथा नानक के दोहों में, छंदों में, लेखों में मिलते हैं। ये विचार आर्थिक जीवन की अपेक्षा सामाजिक जीवन से अधिक संबद्ध है और जाति प्रथा के दोषों, ईश्वर की पैतृकता तथा मानव बंधुता आदि तक ही सीमित हैं। मुगल काल में कुछ ऐसी पुस्तकें अवश्य लिखी गई जिनका आर्थिक महत्व है, जैसे अकबर के काल की आईने अकबरी। इस पुस्तक में मालगुजारी प्रणाली, तकवी प्रथा, किसानों को मुफ्त बीज देने तथा अन्य समस्याओं का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त कीमतों तथा बाजार के नियमन और सार्वजनिक निर्माण कार्य के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। दोनों सरकारों बैनों सरकार ने अबुल फजल की को मुस्लिम चाणक्य की संज्ञा दी है। आईने अकबरी में अबुल फजल ने कृषि, लगान, व्यापार, तकवी, ऋण, बाजार मूल्य और समाज कल्याण आदि विभिन्न आर्थिक विषयों पर विचार व्यक्त किए हैं। इस पुस्तक के अध्ययन से ये ज्ञात भी होता है कि इसके रचयिता ने भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मध्यकाल में भू राजस्व वसूल करने की नई नीति का परिचलन हुआ। इसके अनुसार राज्य की भूमि को पूर्णतः नापने के पश्चात उसे पोलच, परती, चाचर, बंजर आदि भागों में विभक्त किया जाता था और उपज के आधार पर लगान वसूल करना प्रारंभ कर दिया था। यह वैज्ञानिक पद्धति थी जिसका मध्यकाल में भारत में विकास हुआ। नमस्कार। इति